वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जावा के लिए सबसे अच्छी आईडी कौन सी है। अगर आप जावा प्रोग्रामर है या आप जावा अभी पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आईडी है जिसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता चल जाएगी कि कौन सी आईडी बेटर है और क्यों बेटर है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। तो जावा की अगर बात करें तो वहाँ कुछ आईडी के नाम आ जाते हैं हमारे सामने, जैसे कि इक्लिप्स, नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो, ऐसी कुछ आईडी। बट मैं आपको इनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं नंबर 5 पे जो आईडी है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जे क्रिएटर। अब जे क्रिएटर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी अभी जावा प्रोग्रामिंग जिन्होंने स्टार्ट की है या बिगिनर है वो। अब ऐसा क्यों? देखो, हम बिगिनर होते तब हमें आईडी को डाउनलोड करना, उसके सारी चीज़ें सेटअप करना, एक्सटेंशन डाउनलोड करना, या हम कह सकते हैं JVM को डाउनलोड, वो जो JDK होता है उनको डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो जे क्रिएटर बहुत अच्छी आईडी है, यहाँ ज़्यादा कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही सिंपल आईडी है और यहाँ आपको बहुत सारे टूल्स ऐसे नहीं मिल जाएंगे, बेसिक जावा प्रोग्रामिंग आप यहाँ कर सकते हो। तो जे क्रिएटर बहुत अच्छा है उनके लिए जो अभी अभी जावा प्रोग्रामिंग जिन्होंने स्टार्ट किया है या जो बिगिनर है उनके लिए। बट आपको यही रुक के नहीं रहना है, आपको जो मॉडर्न आईडीज़ है जैसे कि इक्लिप्स, इंटेलिजे, इनको कभी ना कभी आपको यूज़ करना ही है। तो बाद में आप उनके बारे में जानकर आप उनको यूज़ कर सकते हो। पहले अगर आप अभी आप बिगिनर लेवल पे हो तो आप पहले जे क्रिएटर या जे डेवलपर जैसी आईडी यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 5 की जो आईडी है वो मैंने आपको बता दिया, जे क्रिएटर। अब नंबर 4 की अगर बात करें तो वो है विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसको मैंने नंबर 4 पे क्यों रखा है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड की अगर बात करें तो ये बहुत फेमस आईडी और बहुत अच्छी आईडी है, फिर भी मैंने जावा के लिए इसको नंबर 4 पे रखा है। अगर मैं आपको बताऊं जावा के लिए कुछ टूल्स है, कुछ एक्सटेंशंस है, वो ज़्यादा एक्सटेंशंस टूल्स जावा के लिए यहाँ नहीं मिलते, जावा के लिए ये इतनी स्पेशल नहीं है। बाकी आईडी जैसे कि नेटबीन्स, इक्लिप्स बहुत ही स्पेशली डिज़ाइन है सिर्फ और सिर्फ जावा के लिए, बट ये जो आईडी है विजुअल स्टूडियो कोड वो जावा के लिए उतनी अच्छी नहीं है। बेसिक जावा प्रोग्रामिंग आप यहाँ कर सकते हो, आपको ज़्यादा फीचर्स यहाँ नहीं मिलते, बट फिर भी विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत अच्छी आईडी है, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती है। आप इसको बाकी लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग के लिए या जावा के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 पे मैंने यहाँ रखा है इंटेलिजे आइडिया। अब इंटेलिजे आइडिया बहुत अच्छी आइडिया है बट उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको कंपेयर करूँ, आपको बताऊँ कंपेयर करके कि इंटेलिजे आइडिया और नेटबीन्स में कौन से, तो इंटेलिजे आइडिया बहुत हद तक अच्छी है। बट अगर आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन जो है उतनी अच्छी नहीं है तो इंटेलिजे आइडिया आपके जो पीसी में उतनी अच्छी नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैंने इसको रखा है नंबर 3 पे। बट इंटेलिजे आइडिया जो आईडी है इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ये आईडी बहुत मॉडर्न है, इसका लुक बहुत अच्छा है और जावा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग भी आप इसमें कर सकते हो। तो बहुत अच्छी आईडी इंटेलिजे आइडिया, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2 पे मैंने रखा है इक्लिप्स आईडी को। अब इक्लिप्स आईडी जावा के लिए बहुत फेमस आईडी है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है, इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा है और आपके पास एक बेसिक सा कंप्यूटर भी होगा तो जो इक्लिप्स आईडी है वो परफेक्टली चल जाएगी, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको जो थीम्स मिलते हैं, जो फॉन्ट्स मिलते हैं, जो आपको सजेशंस मिलते हैं प्रोग्रामिंग करते समय वो बहुत अच्छे होते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग करते समय कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही सिंपली आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। नंबर 1 की आईडी है नेटबीन्स। नेटबीन्स एक बहुत अच्छी आईडी, मैं आपको अगर बताऊं तो जो ज़्यादा टूल्स है जावा के लिए वो नेटबीन्स में इनबिल्ट आते हैं, कुछ टूल्स हमें इक्लिप्स में बाहर से डाउनलोड करने पड़ते हैं, बट कुछ चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे नेटबीन्स में इनबिल्ट आती हैं। अगर आप नेटबीन्स का 8 वर्जन डाउनलोड करेंगे वो बहुत अच्छा है, पुराना है बट बहुत अच्छा है, उसमें इनबिल्ट JDK भी डाउनलोड होके आता है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है नेटबीन्स को यूज़ करना और इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी स्पेसिफिकेशन, आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है तो आप इंटेलिजे आइडिया यूज़ कर सकते हैं, या आप आपके कंप्यूटर में ये नेटबीन्स या इक्लिप्स यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो। और अगर आप बिगिनर है तो जे क्रिएटर आप यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी आईडी बेटर है जावा के लिए। तो ऐसी टेक्निकल वीडियो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं ऐसी।